तो फाइनली देख सकते हैं गाइज, अभी हम आ गए हैं एक बार फिर से बाजार में। और आज हम पूरे दिन भर की बालू गिट्टी छोर सीमेंट का जो रेट है वो क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। अभी हम मार्केट में ही है, आप यहां देख सकते हैं चारों तरफ। और आज जो है छोर बालू गिट्टी का रेट क्या भाव बिका है, ये रहा शॉप। अंदर अभी हम चलेंगे और सर से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या भाव बिका है। देखिए लाइव हम आएंगे, आते हैं और लाइव जानकारी देते हैं। पर एक बात आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है बिजनेस गरीब के बिजनेस, इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर ना हम आपको बिजनेस से संबंधित एक से बढ़कर एक जो विलेज में गांव में रहकर कम से कम पैसे में जो शुरू होने वाली बिजनेस होती है उस सब के बारे में भी जानकारी देंगे कि कितने रुपए पूंजी लगा करके कितने रुपए लोग कमा रहे हैं और आप कैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में उस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दिया जाता है। तो आप लोग जरूर एक बार जाकर देखिएगा। चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज का जो है छोर बालू गिट्टी का रेट क्या भाव बिका है उसकी जानकारी अभी हम सर से लेंगे और उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलिए ले चलते हैं। देखिए ये रहा बालू कोल्वर है, बालू की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की बालू जो है आज देखने को मिल रहा है। और ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर से कितने रुपए में बालू मिलेगा वो भी अभी हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज का जो है क्या कुछ रेट रहा है। यहाँ पे कई सारे ब्रांड के सरिया है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, छौर है। और अभी हमारे साथ सर मौजूद है और अभी हम इनसे लाइव जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आज का जो भाव बिका है, क्या क्या सामान आपके पास आज अवेलेबल है थोड़ा बता दीजिए। हमारे पास टोटल सामान अवेलेबल है, घर बनाने से संबंधित टोटल सामान अवेलेबल है। अच्छा सर, आज हमको बालू का और गिट्टी का पहले रेट बता दीजिए, इसके बाद सरिया और सीमेंट का भी बता दीजिएगा। तो आज गिट्टी का रेट है 9500। गिट्टी का 9500, कितने इंची के नापी में? 12 इंची नापी में 9500 रुपया, 100 CFT का। और उसके बाद बालू का रेट 6000। बालू का रेट 6000, बालू का रेट 6000 रुपया है 100 CFT। अच्छा सरिया कौन कौन सा है और उसका रेट बता दीजिए। जिंदल पैंथर, रेशमी 550 और बाल मुकुंद, दुर्गापुर, श्याम स्टील और टाटा टिस्कॉन। अच्छा सर, पहले जो है आप लोकल वाले में बता दीजिए, इसके बाद ब्रांडेड जो प्रति पीस के दर से मिलता होगा। लोकल का 53 रुपए किलो, दुर्गापुर तिरपन रुपए किलो, बाल मुकुंद साढ़े छप्पन रुपए किलो और रेशमी 68 रुपए किलो, और जिंदल पैंथर 76 रुपए किलो, टाटा टिस्कॉन। ये सब पीस के हिसाब से होगा, सब पीस के हिसाब से जी। क्विंटल पर डिवाइड कीजिएगा तो 7600 क्या है। क्विंटल में अगर टाटा टिस्कॉन की डिवाइड करें, ऐड कीजिए तो आपको 76 रुपए किलो के आसपास आ जाएगा। 76 रुपए किलो जी। आप पीस में बता दीजिए सर कि 10 mm और 12 mm का जो है टाटा का, वो 16 mm का कीमत है 1434 रुपया जी, 12 mm का कीमत है 806 रुपया, 12 mm 806 रुपया, 10 mm का कीमत है 571 रुपया, 8 mm का कीमत है 375 रुपया और 6 mm का कीमत है 221 रुपया, जिसमें 3% डिस्काउंट है। जिंदल पैंथर में 5% डिस्काउंट, टाटा टिस्कॉन में कितना परसेंट डिस्काउंट? 3%। लेकिन टाटा टिस्कॉन का असली माल आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। टाटा टिस्कॉन अपने जो फैक्ट्री में बनाती है वो 500D बनाती है। 500D, हाँ, टाटा टिस्कॉन 500D जी, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अवेलेबल है टाटा टिस्कॉन 550SD। अच्छा सर, 550SD और 500D, ये क्या होता है? 500D वो अपने फैक्ट्री बनाती है जो गवर्नमेंट यूज में चला जाता है, और 550SD जो है टाटा टिस्कॉन का, ये दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है।
दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो जिंदल पैंथर के सामने में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला माल है वो फेल है, इसलिए जिंदल पैंथर यूज कीजिए। प्योर पत्थर का बनाया हुआ स्टील है जी, और इसमें टेम्पर है, क्वालिटी है, सब कुछ है, फिनिशिंग है। असर टाटा टिस्कॉन की बात करें तो 500D जो है तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं, नहीं मिलता रहता है। 500D नहीं, 550 SD ही रहता है। 550 SD आपको मार्केट में मिलेगा जी। 500D जो टाटा के पास माल है वो गवर्नमेंट यूज में चला जाता है, वो गवर्नमेंट यूज में ही चला जाता है। बड़े बड़े ओवरब्रिज पुल पुलिया बनता है उसमें चला जाता है। अच्छा, और मार्केट में जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला माल आता है। मैन्युफैक्चरिंग टाटा डिस्काउंट सिंपल अपना सैंपल लगाने के बाद दूसरा फैक्ट्री तैयार करता है, सिक्का मोहर अपना मारने के बाद मार्केट में टाटा डिस्काउंट के नाम से फेमस है जी। और अदर सरिया में भी रहता है सर, 500D 550D इसमें भी कोई? जैसे रेशमी हमारा है जी, रेशमी 550D है, खड़गपुर का कंपनी है, पक्का लोहा है, अच्छा वेट है, अच्छा थिकनेस है जी, और टेम्पर अच्छा है, रिटर्निंग आपको अच्छा मिलेगा ऐसा। सर एक बात हमको बता दीजिए कि सरिया खरीदते वक्त किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि सरिया जो है कौन सा असली है या फिर नकली है, इस चीज का पहचान हम कैसे कर सकते हैं? आप खरीदते हैं मकान बनाने के लिए जी, तो सरिया में अगर 10 mm का सरिया आप लेते हैं एक पीस, तो उसका वजन 7 kg 400 g होना चाहिए। 7 kg 400 g यानी 7 kg 300 g प्लस होना चाहिए, 400 g होना चाहिए। 7 kg 400 अगर 7 kg 400 g वो सरिया एक पीस है जी, तो प्योर 10 mm है, एक ग्रेड का सरिया है, कोई भी ब्रांड में? हाँ, और सब ब्रांड में सब ब्रांड सब का अलग अलग नहीं है। अच्छा, सब का अलग अलग में आता ही नहीं है। जैसे आपको रेशमी है जी 7 kg 300 प्लस आएगा, जिंदल पैंथर है 7 kg 400 आएगा एक पीस में, एक पीस का कंफर्म है। अच्छा, और दूसरा जो बाल मुकुल लीजिएगा तो वो आपको आएगा 5 kg 900। बाल मुकुल के 5 kg 900 ही है? 5 kg 900 ही आएगा। अच्छा, क्योंकि वो फुल एमएम है नहीं जी, कतरा से बनाया गया स्टील है जी, थिकनेस का चोरी है, मार्केट में दुकानदार और ठेकेदार मिल करके इस चीज को हवा बना दिया है, पैसे कमाने के लिए दूसरे को अगर मार दिया जाए तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं, नहीं, सब अपना फायदा सोचता है जी, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, चलिए सर, मुकुंद स्टील अगर ईमानदारी से कोई मार्केट में बेचे तो उसका पेट नहीं भरेगा, ऐसी बात है ना। हाँ, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है हम सर के पास मौजूद है, और जितना बात हमें नहीं जानकारी है, आप घर बनाने वाले से कहिए एक ग्रेड का सीमेंट यूज करे, एक ग्रेड का स्टील यूज करे, हर दो चीज से ही अच्छा बनता है, सीमेंट और रॉड से। जी जी बिल्कुल, और सीमेंट रॉड आपका एक ग्रेड का मकान में लग गया तो आपके मकान का लाइफ 100 साल होगा जी, आपके मकान में 3 पीढ़ियां चलेगी, 3 पीढ़ी बूढ़े होकर के मर जाएंगे, फिर भी वो मकान आपका गिरेगा नहीं जी।